हेलो एजुकेटर्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। और अब जो है हम नेक्स्ट वीडियो, जैसे कि आपने मेरा पिछला वीडियोस देखे होंगे तो उसमें कंप्लीट बोर्ड जो है आपको दिखाया गया था कि सारे बोर्ड का ये इस तरीके से बोर्ड है, इसका बॉडी कैसा है, कैमरा, माइक, हमने ये सारी चीजें दिखा दिया। ठीक है, अब बात करेंगे इस बोर्ड में जो आपका जो क्वेश्चन होगा ना, वो सारे क्वेश्चन इसमें उसका जवाब देना पॉसिबल है। सबसे पहले हम नोट ओपन करते हैं। सिंपल चाहिए क्या, एक नोट चाहिए होता है, ठीक ना। नोट पे आप देख सकते हैं कि सबसे पहले स्टार्टिंग से हम इस साइड से चलते हैं। अगर मैं यहाँ से पढ़ा रहा हूँ, मान लीजिए कि हम यहाँ से हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है। अब मुझे है कि पेज ऐड करने वहां जाना है, मैं वहां नहीं जाऊंगा, मैं उसी को इधर लेके आ जाऊंगा। ये यहाँ पे मैं टच किया, पेज ऐड करने का ऑप्शन मुझे यहाँ आ गया, वापस मैं इसको उधर भेज दिया। यहाँ पे गए, कुछ इस टाइप के आपको फंक्शन बैकग्राउंड सेटिंग मिलते हैं। मैं बैकग्राउंड सेटिंग एक बार चेंज कर देता हूँ। उसके बाद में यहाँ एग्जिट करने का ऑप्शन है, सेव करने का ऑप्शन है, इंपोर्ट नोट, जो नोट का फाइल होता है, जो फाइल यहाँ पाएंगे, इस फाइल को जो मैं सेव करूंगा, इस फाइल को देख रहे हैं कि इसका वॉइस उठा रहा है, नोट में ओपन करूंगा, फिर दोबारा पढ़ाने के लिए नोट में इंपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ से शेयर है, आप शेयर कर सकते हैं मेल पे डायरेक्टली। अब सबसे बड़ी चीज, बहुत सारे टीचर ये हैं कि उनको बोलना था, सॉरी, बहुत सारे टीचर हैं जिनका रिक्वायरमेंट होता है कि ये जो पोर्शन दिख रहा है, ये मेरा हाइड हो गया, दिख नहीं रहा। ऑप्शन है, मैंने सिंगल क्लिक किया, हाइड हो गया, फिर भी मैं लिख सकता हूँ, सारे चीजें मैं यूज कर सकता हूँ, मैं यूज करूंगा सब चीज और ये हाइड रहेगा। जब जरूरत होगा मैं यहाँ पे टच करूंगा, ये वापस से आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग चीज, एक बार मैं इसको कंप्लीट इरेज कर दूं, चलते हैं पेन पे। सबसे ऊपर आप पेन देख रहे हैं, ठीक है, ये जो पेन है नॉर्मल पेन है, ठीक, जो भी हम लिखेंगे। दूसरा ब्रश है या हाइलाइटर और ब्रश, इसको आप बोल सकते हैं। अगला चलते हैं, ये आपको ब्रश वाला पेन मिलता है, जो एक ब्रश वाला पेन होता है ना, जिससे मैं राइट कर रहा हूं, जैसे मैं एंड छोड़ूंगा स्पीड में पतला हो जाएगा, तो ये है। ठीक है, यहाँ पे डबल पेन है, ये ब्लैक है, हम पतले नॉब से अगर हम एलो सेलेक्ट कर लिए और इधर हम पतले नॉब से जिसको सेलेक्ट करेंगे वो सेलेक्ट, पतले नॉब से एलो किया, ये किया, ये हुआ, इधर जाकर मैं ये सेलेक्ट किया, ये हुआ, इसको मैं एलो करता हूँ और इधर वाले में एक बार मैं ये वाले करता हूँ। ठीक है, इसका भी थिकनेस बढ़ा लेता हूँ, इसका भी थिकनेस बढ़ा लेता हूँ। अब इसको मैं हटा दिया, अब क्या है कि इधर से मैं लिखू एलो, इधर से लिखूंगा ये पेन में। ठीक है, अगला चलते हैं, ये क्या है, इस पेन का क्या मतलब है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं लिख रहा हूं, इधर से इरेज कर लूंगा, होता क्या है, ये कब काम आएगा, जैसे कि मैंने कोई चीज लिखा, ठीक है ना, यहाँ पे मैं लिखते जा रहा हूं, एक शब्द गलत हो जाए तो एक शब्द के लिए मैं ऐसे इरेज करूंगा, टाइम लगता है। एक शब्द कोई गलत हुआ, जैसे मैंने आर लिखा है, गलत हो गया, मिटाना है ये लोग, ठीक है, ये फंक्शन है। उसके बाद टेक्स्ट है, मैं अपना नाम ही लिख देता हूं, ठीक है, तो ये जो है टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देगा। अब देखिए सबसे और इंटरेस्टिंग, यहां पे हम डायग्राम, ये डायग्राम बना हुआ भी है इसमें, मान लीजिए कि मैं कोई डायग्राम बनाया, ऑटोमेटिक बन गया, ठीक है, जिस टाइप से आप बनाएंगे वैसा, मान लीजिए कि मैं स्क्वायर बनाता हूं, ये इस टाइप से बन के आ गया। ठीक है, अगला चलते हैं, अगर मैं कोई चीज, अगर मैं एक चीज ऐसे कैसे मैं बना रहा था, ठीक है, ये देख सकते हैं, मैं जो भी बनाऊंगा ये चीजें एकदम एग्जैक्ट बन, जैसे कि अभी हमने यहां तक पेन का सारा सिस्टम हमने देख चुका हूं कि पेन में जो जो फीचर्स है, ये सारा चीजें अभी आपको हमने एक्सप्लेन कर दिया। अब यहाँ पे इरेजर पे आते हैं, तो इरेजर पे भी हमें कई ऑप्शन, यहाँ बड़ा इरेजर है ये, एक बार मैं इरेज करके भी दिखा दूं, ऐसे इरेज करते हैं, कुछ इस टाइप से इरेज होगा, कंप्लीट करना हो इसको हम स्क्रॉल करेंगे, कंप्लीट इरेज हो जाएगा। ये फिंगर का क्यों सिंबल है, यहाँ से जैसे कि मैंने कोई चीज भी लिखा, ठीक है ना, पूरे बोर्ड पे मैंने लिख दिया, अब क्या करना है, इसको मुझे फाइव फिंगर से, एक बार ये पूरा बन ही गया, ये मैं इसको लेता हूँ, ठीक है, और ये मैं फाइव फिंगर से इसको यहाँ रख दिया, यहाँ पे सिंगल टैप है, यानी सिंगल लिख सकते हैं, सिंगल फाइव फिंगर से इसको मैं रख सकता हूँ। ठीक है, अब इसको मैं करता हूँ फाइव,
पांचों फिंगर। अब है जो फाइव फिंगर से मैंने यहाँ रखा था ना, अब ये नहीं जाएगा, फाइव फिंगर का टच काम कर रहा है, सिंगल फिंगर का भी करेगा, फाइव फिंगर भी करेगा। इसको मैं सिंगल कर लिया, अब मैं ये सारे एक बार में ऊपर रख सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे सेलेक्ट टूल है, इसको मैं एक एक सेलेक्ट किया, मैं जितना लिखा हूँ एक सिंगल पेन विदाउट पेन उठाए, वो चीजें इधर निकल के आ जाएंगे, ठीक है। ये चीजें हैं, ये रूलर्स हैं, इसमें आपको जो भी बनाना हो ये आप ले सकते हैं। 90 डिग्री का ये है, इसमें जो है हमें कलर करना हो इस साइड से, और इसको मैं हटा लिया, यहाँ पे आपका बन के रेडी हो गया। अब जो है मुझे इसको मैंने करके ले आना है 160 पे बनाना है, 160 किया, यहाँ से ये गलत है, जीरो से इसको मैं इधर से अब बनाऊंगा 160, ठीक है। अब इसको मैंने ये किया, कलर हो गया, ठीक है। ऊपर का जो बॉर्डर है यहाँ पे मैं इसको टच करूंगा, ये बॉर्डर भी बन गया, ठीक है। जैसे अब एक बार और मैं इधर करके दिखा दूं, यहाँ पे सिर्फ मैं अगर ये करता हूँ, हटाऊंगा और ये तो एक बॉर्डर का है। अब यहाँ पे मैं इसको क्लिक करता हूँ, आप देखिए ये जो है लाइनिंग बन के आता है सिर्फ, ठीक। इसको मैं क्लोज करता हूँ, यहाँ पे सेफ है, सेफ में एक बार इरेज कर दूं कंप्लीट, फिर मैं दिखाता हूँ, ये रहा सेफ। इसमें मुझे जो भी चीजें चाहिए मैं सिंपली ये ले सकता हूँ, ये सेफ बनाना हो ये बना सकते हैं, 3D सेफ चाहिए 3D बना सकते हैं। ये लगभग ये सारे सब पैनल में लगभग है, ये वाला है, मैंने बॉक्स लिया इतना इंसर्ट कर दिया, ये बॉक्स आ गया, यहाँ पे मुझे कोई भी चीज राइट करने का काम आएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे ये बॉक्स का जो सिंबल है इसमें क्या गया, इमेज इंपोर्ट कर सकते हैं डायरेक्टली, वीडियोस बोर्ड पे वीडियोस प्ले कर सकते हैं, जो कि वीडियोस आपका कुछ इस एरिए में प्ले होगा, ठीक है, पूरे बोर्ड पे नहीं होगा, हम बाद बाकी बोर्ड पे वीडियो को एक्सप्लेन कर पाएंगे, यहाँ पे वीडियो प्ले हो जाएगा डायरेक्टली। इंसर्ट PDF है, सर्च है डायरेक्ट, अगर मैं गूगल वगैरह सर्च करता हूँ तो यहीं पे हमें सर्च कर पाऊंगा, ठीक। स्टिक नोट है, माइंड मैप है, सोचैट है, और स्प्लिट स्क्रीन है। स्प्लिट स्क्रीन भी लगभग सारे पैनल में है, बट वही है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं इस साइड में 2 split, 3 split, 4 split, 6 split, ठीक है, ये 6 भाग में स्प्लिट होता है। अब मैं इसको एग्जिट कर दूं, यहाँ पे अंडू रीडू है, यहां से इसको क्लोज करते हैं। अंडू रीडू प्लस पेज, जो मैं स्टार्टिंग में आपको बता चुका हूं कि इस साइड ला करके इसको हम प्लस कर सकते हैं, वो चीजें। तो ये नोट के अंदर जो है आपको इतने फीचर्स इनबिल्ट मिलते हैं। इसको मैं एक बार एग्जिट कर लूं, और अब जो है आशा करता हूं कि ये चीजें आप लोगों को कंप्लीट हो चुका होगा, ये अब यूज करने में काफी टीचर्स को काफी हेल्पफुल होगा। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और नए के साथ, बट इसी के साथ, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। आपको बताया ना पिछले पहले वीडियो में बताया था कि अगर कंप्लीट वीडियोस बनाओ 2 घंटे का वीडियो बनेगा। अब उस 2 घंटे को ना मैं छोटा 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 करके, जैसे कि ये अभी ये कंप्लीट हो चुका है, हमने ये वाला कंप्लीट कर लिया, अब मैं ये भी दिखा दूं एक बार। यहां से मैंने पेन लिया, मैंने क्या कंप्लीट किया डायरेक्टली बोर्ड पे लिख करके, मैं यहां से लेता हूं रेड, ठीक है, मैं ये करा चुका हूं कंप्लीट, ये जो है आपका कंप्लीट हो गया। अब इसके आगे जो चीजें हैं, कैसे कनेक्ट करते हैं, वायरलेस कनेक्ट करने का बहुत सारे फंक्शन है, वो सारे चीजें मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।